सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गुलाबो का रोल कर चुकी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती है। दिव्या ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से दुआ करने की अपील की है, तो वहीं उनकी मां ने एक बातचीत में बताया कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और फिलहाल वे वेंटिलेटर। दिव्या ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट करते हुए लिखा है, मेरी शीघ्र रिकवरी के लिए दुआ करें, आप सभी को ढेर सारा प्यार। स्क्रीनशॉट में हॉस्पिटल के बेड पर लेटी दिव्या को मास्क के अंदर से मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है। गुड़गांव से मुंबई पहुंची दिव्या की मां ने ई टाइम्स से बातचीत में कहा, दिव्या का तापमान पिछले 6 दिन से बढ़ा हुआ था, उन्हें घबराहट हो रही थी। मैं दिल्ली से आई और घर में एक ऑक्सीमीटर लेकर आई, हमने उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया जो काफ़ी गिर गया था, अब वे वेंटिलेटर पर है और उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है। दिव्या शशि सुमित प्रोडक्शन हाउस के टीवी शो 13 यार हूँ मैं काम कर रही है। उनकी मां ने कहा है कि उनका बेटा प्रोडक्शन हाउस के संपर्क में है जो दिव्या के ट्रीटमेंट में आर्थिक मदद कर रहा है। दिव्या की मां ने उनके पति को फ्रॉड बताया, वे कहती है कि वे उन्हें छोड़कर चला गया और उनसे उनकी तबीयत के बारे में भी जानकारी नहीं ली। ये रिश्ता क्या कहलाता है और 13 यार हूँ मैं के अलावा दिव्या ने उड़ान जीत गई तो पिया मोरे और विश जैसे टीवी सीरियल्स में भी काम किया है। ऐसी ही चटपटी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करो, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसी ही चटपटी खबरें देते रहे। धन्यवाद।